नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हों, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हों, अंग सवुरण शास्त्र हो, अंक शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, रत्न शास्त्र हो, हर प्रकार से ज्योतिष शास्त्र की जो जानकारी रहती है हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और इसमें काफी सफल भी हुए हैं। आज हम आप लोगों के लिए रत्न शास्त्र से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। रत्न शास्त्र के एक ऐसे उपरत्न जिसे अत्यंत ही चमत्कारी माना जाता है, सफेद मूंगा, उससे संबंधित हम आज आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सफेद मूंगा एक प्रकार से नौ रत्नों में भी भारी पड़ जाता है। सफेद मूंगा के बारे में यह कहा जाता है, कुछ उपरत्न ऐसे होते हैं जो नौ रत्नों से भी ज्यादा पावरफुल और कई गुना ज्यादा फलदायी माने जाते हैं। उनमें से एक है सफेद मूंगा, व्हाइट कोरल जिसे कहा जाता है। इसकी एक विशेषता है, सफेद मूंगा को कई परिस्थितियों में धारण किया जा सकता है। जन्म पत्रिका की स्थिति तो अलग है, वो तो कोई अच्छा ज्योतिषी आपको देखकर बता सकता है। और लगभग लगभग यह देखा जाता है, अब लोगों को पता ही नहीं है इस बारे में, यदि व्यक्ति अच्छे ज्योतिषी को दिखाए तो 60 या 70% जो पत्रिकाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं सफेद मूंगा अवश्य ही बनता है। ये पिछले 22 साल से हम जो ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, लगभग लगभग जो हमारा आकलन रहा है, एक अपना अनुभव भी कहता है, क्योंकि तो इतने समय से हमने लोगों को रत्न धारण करवाए, हर चीज हमने किया, तो एक अनुभव लिया, एक प्रैक्टिकल लोगों पे, एक प्रैक्टिकल ही मानिए, एक प्रयोग ही मानिए कि हमने लोगों को बताया, उन्होंने किया, कुछ हमने भी किया, तो उसके बाद चीजें देखने में आई। तो सफेद मूंगा एक ऐसा रत्न है जो चंद्र ग्रह, चंद्रमा जिसे मन का स्वामी कहा गया है, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह यानी कि पराक्रम का ग्रह, दाम्पत्य जीवन में सुख का ग्रह और हमेशा हिम्मत को बनाए रखने वाला ग्रह, उससे संबंधित गुरु ग्रह जिसकी महत्वता किसी से छिपी नहीं है, हर कोई जानता है, देवगुरु इन्हें कहा गया है। ये प्रसन्न है तो समझो कि व्यक्ति के पास सब कुछ है, होने कोई भी ग्रह यदि पावरफुल होगा तो सब कुछ दे सकता है। इसी तरीके से शुक्र ग्रह, जिन्हें वैभव का कारक कहा गया है, कलयुग में जिन्हें सुख का कारक माना गया है, दैत्य गुरु की जिन्हें उपाधि है, इन चार ग्रहों से रिलेटेड माना जाता है। अब पहली स्थिति जो इसमें रहती है, यदि हमें सफेद मूंगा धारण करना है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से हम इसके बारे में देख सकते हैं, अपनी पत्रिका दिखाकर वह हमें आकलन करके बता देंगे भाई कितने रत्ती कितने कैरेट का। जन्म पत्रिका से ही यह रत्ती कैरेट निकलता है। भार देख के लोग कहते हैं कि मेरा इतना भार है, देखो भार ऊपर नीचे हो सकता है, कोई उम्र कहते हैं, उम्र प्रतिदिन बढ़ती है, लेकिन जन्म पत्रिका में जहाँ पे ग्रह रहते हैं वो वहीं पर को रहेंगे, जन्म स्थान पे गोचर के ग्रह घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर को रत्न का एक जो भार है निर्धारण करने का कई तरीके दिए गए हैं, जैसे कि लग्न से कितनी दूरी है, चंद्र से कितनी दूरी है, जिस ग्रह का रत्न धारण करना है वह कहाँ पर बैठा है, उसके घर से कितनी दूरी है, इन सब का आकलन करके एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि भाई यहाँ पर की दूरी और इतना व्यक्ति को रत्न धारण करना चाहिए जो कि इसको फायदा देगा। आज हम कई सालों से धीरे धीरे, हमारा भी एक अनुभव है, पिछले 5-7 सालों से, उससे पहले भी लोगों को रत्न धारण कराया, कभी ऊपर नीचे, लेकिन पिछले 5-7 सालों से जिसको भी रत्न बताते हैं लाभ तो अवश्य ही देते हैं। आप देख लें, इसमें अब हम अपने मुंह से कहने में अच्छा नहीं लगता है, आप एपिसोड के कमेंट में जाके देख सकते हैं, पिछले 5 सालों में जितने भी रत्न धारण या अन्य से संबंधित हमने एपिसोड बनाए हैं, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो बात कर रहे हैं हम सफेद मूंगा की, तो सफेद मूंगा को चार ग्रहों में, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और शुक्र ग्रह, इनकी स्थिति को देखते हुए धारण किया जाता है। अत्यंत ही चमत्कारी है, जो फायदा कोई नहीं दे सकता है, जो लाभ कोई नहीं दे सकता है, वो फायदा वो लाभ सफेद मूंगा दे सकता है। यदि हमें कुछ पाने की इच्छा है और हमारे जीवन में कुछ नहीं मिला है, और विशेष तौर पर यदि हम रत्नों पे विश्वास रखते हैं, इच्छुक हैं इनको धारण करने के, और इच्छा और हमने धारण किए हुए हैं लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिला, जो हमने चाहा वो हमें नहीं मिला है, तो एक बार सफेद मूंगा अवश्य धारण करें, अपने अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं,
और उनसे राय मशवरा करके एक निर्धारित कैरेट में पहने। अब आती है बात दूसरी परिस्थिति। तीन परिस्थितियां, पहली परिस्थिति में आप ज्योतिषी को दिखाए, दूसरी परिस्थिति में ये आसान तरीका है, ये अगर किसी का ऐसा है तो आराम से वह रत्न धारण कर सकता है। सात राशियां जिनमें मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये सात राशियों में से चार ग्रहों की, यही चार ग्रहों की ये सात राशियां हैं। इन सात राशियों में से यदि किसी जातक की, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि लग्न और राशि इन सात राशियों में से बनती है, मान के चलिए किसी की मेष राशि है वह धनु लग्न है, किसी की वृषभ राशि है वह वृश्चिक लग्न है, या वृश्चिक राशि है वृषभ लग्न है, तो इस तरीके से बनती है, तो वो व्यक्ति आंख मूंद कर मूंगा रत्न धारण कर सकता है। अब वो कहेगा कि भाई मैं तो आंख मूंद कर पंडित जी ने बोला है, अब इसमें रत्न भार वाली बात आएगी, तो कभी भी रत्न कोई जैसे बच्चों के लिए रहता है, बच्चों को हमेशा 10-12 कैरेट से नीचे का ही रत्न धारण करवाना चाहिए, किंतु उसके बाद 10-12 साल से बच्चा बड़ा हो जाता है तो 10-12 कैरेट से ऊपर का, यानी कि एक युवा व्यक्ति और प्रौढ़ व्यक्ति को हमेशा ही 12-15 कैरेट से ऊपर का रत्न पहनना चाहिए, वो ही फलदायी होता है। तो 12-15 से ऊपर का पहन सकते हैं, किसी अच्छे ज्योतिषी से राय मशविरा कर सकते हैं अगर ऐसा है तो। ये दूसरी परिस्थिति है, इन सात राशियों में से किसी जातक की लग्न और राशि बन जाती है जैसे हमने अभी आपको बताया, तो आंख बंद करके मूंगा रत्न धारण कर सकता है। तीसरी परिस्थिति भी बताते हैं, यहाँ पर कोई एक बात और आती है। अब मूंगे में भी तीन प्रकार के डिजाइन होते हैं, आकृतियां, पहली कैप्सूल जो लोग जानते हैं, दूसरा होता है ट्रायंगुलर, तीसरा होता है स्क्वायर, या मतलब जिसे हम ओवल कहते हैं, गोल अंडा का, या स्क्वायर भी उसमें होता है, तीसरी या चौथी, अगर स्क्वायर कहें तो गोल के अलावा स्क्वायर अलग हो गया, चौथी आकृति मान लीजिए, लेकिन फिलहाल हम तीन ही की बात करते हैं। तो अब इसमें देखा जाता है, यहां पर भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, जैसे मान के चलिए कि ये बृहस्पति हैं, ये चंद्रमा है, अभी हम आपको वैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ये शुक्र है और यहां पर को मंगल आ गए, केंद्र के अंदर की भी अभी हम बात बता रहे हैं। अब जैसे अगर ये ग्रह जैसे चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, शुक्र अगर इसके भीतर अंदर को आ जा रहे हैं एक ही साइड को, तो आदमी कैप्सूल पहन सकता है, कैप्सूल मूंगा। अब इसके अतिरिक्त ग्रह यदि चारों कोनों में है, चंद्रमा यहाँ है, बृहस्पति यहाँ है, मंगल यहाँ है, शुक्र यहाँ है, ये आकलन किया जाता है, मैं आपको एक थोड़ा मोटा वो बता रहा हूँ, तो यहाँ पर को गोल, स्क्वायर, चौकोर वाला मूंगा धारण किया जा सकता है। अब ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पर को भी ग्रह है और यहाँ पर भी ग्रह है, या कुछ ऐसी स्थिति बन रही है, हम ग्रहों को जैसे मिलाते हैं ऐसे, तो ये स्थिति देखी जाती है, तो वहां पर को त्रिकोण मूंगा, या नीचे को ग्रहों की स्थिति को देखते हैं वहां पर त्रिकोण मूंगा इस तरीके से निर्धारित किया जाता है। तो ये तो हो गए कि कैसे हम, हमें कौन सा आएगा, और सबसे बढ़िया जो रहता है वह ओवल शेप वाला, अगर वह सब पहले तो अगर स्थिति ऐसी है बिल्कुल लग रही है ठोस स्थिति, तो उस परिस्थिति में पहनना चाहिए। देखिए आकृति कई आती है, कोई रत्न बेचने वाले होंगे वो कहेंगे कि भाई पंडित जी एक ही चीज के लिए बताते हैं, लेकिन हम बात रिजल्ट की करते हैं, तो अगर स्थितियां ऐसी है तो कैप्सूल और त्रिकोण पहनना चाहिए, अन्यथा ओवल स्क्वायर वाला पहनना चाहिए। वो हम इसलिए कि हम कोई रत्न रत्न नहीं बेचते हैं, हाँ कोई हमसे पूछता है तो हम उनको बता देते हैं कि जहाँ से हम विगत कई सालों से ले रहे हैं और बहुत अच्छा वो लोग देते हैं, हम उनसे मंगाते हैं, हम जो धारण करते हैं, अभी कुछ दिनों बाद आप देखेंगे एक दो रत्न और आ रहे हैं, और एक माला आ रही है सुनेला की, वो चीज भी हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे कि भाई क्यों मंगाई है, क्या उसके फायदे हैं। तो दूसरी परिस्थिति ये हो गई, और उसके साथ रत्न कैसे किस आकृति में धारण करना है इसके लिए ये मोटा मोटा बाकी ज्योतिषी लोग निकाल लेते हैं। अब तीसरी जो है वह है अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थिति। इन चार ग्रहों में जब ये चार ग्रह केंद्र के अंदर या त्रिकोण में भी बैठ जाए और अच्छे भाव में, जिनकी गिनती होती है यहां पर को लाभ भाव ही आता है इसके बाद,
यहाँ पर को ये स्वग्रही अगर कोई ग्रह हो रहा है, बाकी अन्य जगहों पे है लेकिन तीन ग्रह इन स्थानों पर है लेकिन एक ग्रह नहीं है, और यहाँ पर को वो अपने स्वग्रही है, उच्च का है या मित्र ग्रही है, तो माना जाएगा कि उसको भी वहां पर को भी सफेद मूंगे की मूंगा धारण कर सकते हैं, किंतु यहां पर को कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति यानी कि आपके चंद्र मंगल बृहस्पति शुक्र ग्रह यदि इन स्थानों पर आ जा रहे हैं, यानी कि केंद्र के अंदर के किन्हीं दो स्थानों पर और या त्रिकोण में या केंद्र के अंदर तीन जगहों पे आ रहे हैं और एक त्रिकोण में आ गए, या मान के चलिए एक दो केंद्र के अंदर हैं मंगल और बृहस्पति, यहाँ पर को चंद्रमा आ गए, यहाँ पर को शुक्र यानी कि या कहते हैं वृषभ राशि के स्वग्रही हो गए या मीन राशि के उच्च हो गए, तो ऐसी परिस्थिति में भी पहना जाएगा सफेद मूंगा। कोई भी ग्रह उच्च का हो जाए जैसे गुरु करके के हो जाए या मीन या धनु राशि में आ जाए लाभ भाव में, और बाकी यहाँ तीन ग्रह अन्य उठते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसी परिस्थिति में भी क्योंकि केंद्र और त्रिकोण को शुभ माना जाता है, और भी थोड़ा सा यहाँ पर को भी स्थिति देखी जा सकती है, किंतु फिर भी व्यक्ति यहाँ पर को धारण करेगा तो लाभ अवश्य ही होगा। जो लाभ आज तक आपको नहीं मिला है, देखो चार ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, हम रत्न धारण करते हैं एक ग्रह के लिए, सूर्य ग्रह के लिए, चंद्र मंगल बुध माणिक आदि ऐसे, लेकिन जहाँ चार ग्रहों का कॉम्बिनेशन है अपने आप देखिए अपने आप ही तालमेल बनता है और व्यक्ति को वो फल प्राप्त होता है जिसकी कल्पना नहीं व्यक्ति ने की होती है। अब आप देखेंगे मैंने स्वयं सफेद मूंगा पहना हुआ है, ये व्हाइट कोरल है, आप देख सकते हैं असली व्हाइट कोरल है जो कीड़े से बन के निकलता है, जो कीड़ा होता है उसको तराश के उससे बना हुआ है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लाभ है मुझे। मैं जिस चीज़ के लिए मैं चाह रहा था विशेष तौर पर स्वास्थ्य संबंधित और भी कई चीज़ें, तो मेरे को बहुत अच्छा लाभ है, क्योंकि ऐसा है कि भाई देखो हम खाली नहीं कहेंगे, हमने कई रत्न और भी हैं, हमने फिरोजा की हमेशा तारीफ की है क्योंकि फिरोजा से हमें रिजल्ट मिला है। बाकी रत्नों के बारे में हमने वही बताया है कि जैसा किताबों में है, जैसा लोगों को बताया जाता है, जैसे ज्योतिषी लोग बताते हैं वही जानकारी हम लेके आए हैं। अगर अन्य रत्नों के बारे में हम लाए हैं जिनका धारण किया है और उसके बाद हमने और भी रत्न धारण किया लेकिन जिनका रिजल्ट नहीं मिला, तो हमने वैसे ही कोई वो नहीं कि भाई ये रत्न है ये फायदा देता है इस तरीके से बताया, लेकिन व्हाइट कोरल का रिजल्ट है। अंत में आपसे कह रहा हूँ कोई इसके लिए स्पेशल हमने एपिसोड नहीं बनाया है, लेकिन व्हाइट कोरल की जहाँ बात आ रही है तो ये रिजल्ट है और दे रहा है। तो इन तीन परिस्थितियों में अंतिम परिस्थिति ये रहती है, इसके लिए भी आप किसी ज्योतिषी से, यदि आपके नज़दीक पे अपने कोई अच्छे ज्योतिष हैं जिन्हें आप जानते हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो दो परिस्थितियां अंत की जो बताई हैं दूसरी और तीसरी, उसमें आप स्वयं सफेद मूंगा धारण कर सकते हैं, चांदी में यह धारण किया जा सकता है। आप इसको धारण करने के लिए क्या है कि किस दिन धारण करेंगे करके भी लोग पूछेंगे, चांदी में धारण कर लिया, रिंग फिंगर में आप पहन सकते हैं, मिडिल फिंगर में भी आप पहन सकते हैं, अनामिका में भी आप, ये तर्जनी में भी आप पहन सकते हैं, और चाहे तो आप अंगुष्ठ में भी पहन सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आपको यह रिंग फिंगर में ही फायदा देगा, यहाँ पर को बहुत अच्छा माना जाता है। मिडिल में भी यह पहन फायदा देता है, मैं स्वयं भी मिडिल में पहनता हूँ कभी कभी, कभी कभी रिंग में पहन लेता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी आप पहन सकते हैं किसी में भी। अब किस दिन पहना जाएगा, मंगलवार को भी यह पहना जा सकता है, सोमवार को भी यह पहना जा सकता है, गुरुवार को भी यह पहना जा सकता है, शुक्रवार को भी यह पहना जा सकता है, पूर्व के एपिसोड में हमने ये जानकारी दी है। शुद्धिकरण आप इसका दूध गंगा जल आदि से कर सकते हैं, पंडित जी से मंत्र प्राण प्रतिष्ठा भी आप करवा सकते हैं, अन्यथा कुछ घंटों तक 24 घंटे से ज़्यादा समय दूध या गंगा जल में आप इसको रखकर पवित्र भी कर सकते हैं। अब यदि सोमवार के दिन आप इसको धारण करना चाहते हैं तो प्रातःकाल भोलेनाथ के मंदिर में चले जाइए, वहाँ पर पूजा अर्चना कर भगवान शिव जी को जल चढ़ाइए, उसके बाद धारण कर लीजिए। मंगलवार को धारण करना चाहते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, या अपने घर में भी धारण कर सकते हैं, तो वहाँ पर को हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, या हनुमान जी के मंदिर में गए हैं और वहाँ पर अपनी जो दिया बाती आदि करते हैं, पूजा पाठ अपना जो दूध जलाते हैं वो करने के पश्चात आप पहन लीजिए मंगलवार के दिन। गुरुवार के दिन आपने पहनना है तो भगवान श्री राम कृष्ण के जो मंदिर रहते हैं वहाँ पर को आप चले जाइए, और मध्याह्न 2-3 बजे के आसपास आप वहाँ पर को धारण कर सकते हैं, वहाँ पर को भी राम रक्षा स्त्रोत है या अन्य भगवान कृष्ण की स्तुति है, जहाँ पर भी आप जा रहे हैं उस भगवान से संबंधित स्तुति या अन्य सभी देवी देवताओं का ध्यान, अपनी पूजा पाठ जो आप ले गए हैं दीप ज्योति आदि वो करने के पश्चात पहन सकते हैं। शुक्रवार की साय के समय पे माता रानी के मंदिर में जाकर भी आप इसे धारण कर सकते हैं, सुगंधित पुष्प ले जाइए, धूप दीप अगरबत्ती ले जाइए खुशबूदार, और दीपक जलाइए और उसके पश्चात पहन लीजिए माता रानी की आरती आदि या कोई पाठ आदि कर लीजिए।
इस तरीके से आप इसको पहन सकते हैं, अन्यथा मंगलवार के दिन किसी भी समय पे आप इसे पहन सकते हैं, या इन बारों में किसी भी समय पे आप पहन सकते हैं और रिजल्ट बहुत अच्छा है। और कोई पाबंदियां रत्नों के साथ नहीं रहती हैं, वैसे तो रहती भी है लेकिन आज के दौर में लोग मानते नहीं है, विशेष तौर पर राहु केतु के रत्नों में तो रहती रहती हैं, कई चीजें रहती हैं लेकिन अब आजकल हम भी नहीं बताते हैं, व्यक्ति कर नहीं पाते हैं। और क्योंकि राहु केतु के रत्न ऐसे हैं कि वो वैसे ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन अगर यदि व्यक्ति को रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उन परिस्थितियों में कुछ चीजें की जाती हैं, अगर जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो तो वो चीजें कर सकते हैं। विशेष तौर पर कुछ समय के लिए नॉनवेज आदि को छोड़ दें, मीट मांस मदिरा तामसी चीजों का सेवन बंद कर दें, अपने आप ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा जिन लोगों ने विशेष तौर पर राहु केतु के रत्न आदि धारण किए। यहाँ पर कोई इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा विषय ही कुछ ऐसा आया है, तो बात यहाँ पर सफेद मूंगा की है, तो बिल्कुल जो लोग धारण करना चाहते हैं वो बिल्कुल धारण करिए, रिजल्ट है। तो जानकारी अच्छी लगी तो जरूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं, नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और बहुत से लोग हमसे कह रहे हैं कि आपके एपिसोड नहीं आ रहे हैं, नोटिफिकेशन हमारे तक नहीं पहुंच रहे हैं, एपिसोड आ रहे हैं, आप एक बार चैनल पे जाए, वहां पर कुछ जो सब्सक्राइब है या अनसब्सक्राइब भी हो चुका है, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं तो बेल आइकन नहीं दबा होगा, तो सब्सक्राइब को अनसब्सक्राइब कर दोबारा से सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं, अवश्य ही आपके पास नियमित पहुंचने शुरू हो जाएंगे एपिसोड। और नए लोगों से आग्रह है आप भी जुड़ सकते हैं गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, किंतु इससे पहले कुछ एपिसोड हमारे आप अवश्य देख ले, आपको विश्वास हो तभी जुड़िए। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।